बिहार में नल योजना को लेकर खामियां निकाली जा रही है। आपको बता दें, बिहार के वैशाली जिले में नल जल योजना का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ बिहार सरकार अपनी अति महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना में एक नल जल को अपनी सफल योजनाओं में शामिल की है, लेकिन आए दिन इसमें कुछ न कुछ खामियां जरूर सामने आती है। ऐसा ही एक मामला वैशाली जिले के वैशाली प्रखंड अंतर्गत दाऊद नगर पंचायत का है, जहां नल जल योजना का पानी दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसी जगह नल को लगाया गया है जहां घर ही नहीं है। सड़क किनारे जहां मक्के की खेती की गई है, उसमें कनेक्शन दिया गया है। ऐसा ही मामला उसके ठीक बगल में जिला स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा लगाए गए चापाकल का है। एक तरफ लोग प्यास से व पानी के कारण परेशान है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता व अधिकारी कर्मचारियों की घोर लापरवाही से चापाकल खेत में गाड़ दिया गया है, जहां एक भी घर नहीं है, जबकि ऐसे चापाकल समुदाय में लगाने के नियम है। बिहार सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों के कार्यों को पोल इस वीडियो के माध्यम से खोलते हुए किसान नेता रामदेव प्रसाद उर्फ राजू भाई ने किया है। देखिए, ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। ये वैशाली प्रखंड का दाऊद नगर पंचायत, और दाऊद नगर पंचायत का ये 12, 13 या 14 जो वार्ड हो, उसमें ये PhD का चापाकल, एक चापाकल जो इंडिया मन का 3 चापाकल है, इस पर बिहार सरकार का 53,000 रुपया खर्च पड़ता है, जो ये मिसयूज है। यहाँ पर किसी का अगल बगल में घर नहीं है, और ये जंगल में पड़ा हुआ और ये बंद, और ये बिहार सरकार का नल जल योजना का है, जो इससे कोई पानी नहीं पीता। ये घर वाले के घर पर लगता तो बेहतर होता, ये खेत में लगा है, इससे किसी आम जनता को लाभ नहीं है। ये बिहार सरकार के नल जल योजना और PhD विभाग में जो पैसा गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है, या गरीब गुरबा का बिहार का जो टैक्स लगता है, वो पानी में जा रहा है, और बिहार सरकार का अव्यवस्था के खिलाफ जनता शुद्ध पानी से वंचित है। लोग का सब लोग का